आज हम हैं प्रसिद्ध कोट भ्रामरी देवी के मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ से 3 किलोमीटर और कौसानी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैजनाथ ग्वालम रोड में डंगोली नाम के सुंदर छोटे से कस्बे के समीप एक सुंदर सी पहाड़ी पर स्थित है। पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका स्वागत है। डंगोली से कोट भ्रामरी मंदिर 1 किलोमीटर का ट्रैक कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर के लिए मोटरेबल रोड भी है। इस रोड से कुछ घुमावदार मोड़ों से होते हुए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मुख्य द्वार से पूर्व प्रसाद एवं जलपान हेतु कुछ दुकानें हैं और सड़क के किनारे वाहनों के लिए पार्किंग। मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ सीढ़ियां चढ़ मंदिर पहुंचा जा सकता है। आसपास के क्षेत्र में मंदिर के लिए विशेष मान्यता है। मां की कृपा से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती रही हैं। इस स्थान में कभी कत्यूरी राजाओं का किला था। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा यह मंदिर श्रद्धालुओं को अपार ऊर्जा और आनंद से भर देता है। मंदिर पर भक्तों की अगाध आस्था है। मंदिर से चारों ओर दिखने वाले घाटी के दृश्य और हिमश्रृंखलाएं यहां आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मंदिर से घाटी में बसे अनेकों गांव नजर आते हैं। कोट भ्रामरी माँ पर आस्था रखने वाले किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व अथवा किसी भी उपलब्धि पर माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। कत्यूरी राजाओं के समय में गढ़वाल यात्रा के समय जगतगुरु शंकराचार्य भी इस स्थान पर कत्यूरी राजाओं के अतिथि बने थे। उन्होंने बैजनाथ मंदिर की शिला के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की और पूजन आरंभ करवाया। बाद में वे ही कोट की माई के नाम से पूजित हुई। तो इस स्थान पर जो आपको दिख रहा है ऋषि मुनि लोग तपस्या क्या करते हैं, तो अरुण नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने जो है ब्रह्मा जी से वर दिया था कि 4 हाथ पैर वाले से 2 हाथ पैर वाले से मेरा वध न हो। उनका जो है कभी यज्ञ भंग कर देगा, कभी हवन भंग कर देगा और फिर जो है काफ़ी परेशान किया। तो उसके बाद जो है जब ऋषि मुनि शेर में सवार होकर प्रकट हुई, प्रकट होकर जो है उस अरुण नाम के दैत्य का जहाँ पर भैरव का स्थान बनाया है बाहर, उस अरुण नाम के दैत्य का वध किया गया। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार एक समय समूची कत्यूर घाटी पानी में डूबी थी और उस बड़े जलाशय के भीतर अरुण नाम का दैत्य रहा करता था। जल के भीतर रहने वाले इस दैत्य का इस क्षेत्र में बहुत आतंक था। देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती ने हरछिना नाम के पर्वत को तोड़ जलाशय का जल बाहर निकाल दिया। पानी समाप्त होने पर अरुण अपनी राजधानी से बाहर आया तो देवी ने भ्रमरों का रूप धारण कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी। शक्ति रूपा देवी तब से कोट भ्रामरी के नाम से पूजित हुई। कोट भ्रामरी मंदिर में नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह मेला प्रायः 3 दिन तक चलता है, जिसमें आसपास के गांवों के अतिरिक्त दूर से भी आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर में लगने वाले मेले की विशेषता है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में जोड़ता है। कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्रतिवर्ष यहाँ अनेकों विवाह कार्यक्रम संपन्न होते हैं। विवाह आदि आयोजनों के लिए मंदिर के साथ कुछ बड़े हॉल श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए हैं। कुछ धर्मशालाएं बनी हैं जिनमें दूर से आने वाले श्रद्धालु रात्रि विश्राम कर सकते हैं। माँ कोट भ्रामरी सबका कल्याण करे, इसी कामना के साथ आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.